हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, करेंट अफेयर के अपने इस प्रोग्राम में जिसमें हम लोग दिसंबर माह का करेंट अफेयर देख रहे हैं, इसके पहले हम लोगों ने अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर माह का करेंट अफेयर समाप्त कर चुके हैं। आज हम लोग दिसंबर माह का करेंट अफेयर का दूसरा क्लास है, इसके पहले हम लोग पहले क्लास ले चुके हैं। अब तक करेंट अफेयर के जो भी क्लास लिए गए हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी क्लासेस के लिंक दिए जाएंगे। तो आप लोग जो दोस्त इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे, वो लोग चाहेंगे तो उस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं जो इसके पहले क्लासेस ली जा चुकी हैं। दोस्तों, ध्यान देंगे कि हम लोग आजकल दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर रहे हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन का नाम हम लोग देख रहे हैं ट्राई क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन का नाम है होमवर्क। तो कल का जो होमवर्क था, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि उस होमवर्क में हम लोगों ने एक नेवल प्रैक्टिस दिया हुआ था जिसका नाम था पासेक्स। पासेक्स 2020 क्या था कि पासेक्स 2020 हिंद महासागर में किया गया एक अभ्यास था, और ये अभ्यास जो है वो भारत और रूस के बीच किया गया था। यानी भारत की जो नौसेना थी और जो रूस की नौसेना थी, इन दोनों नौसेनाओं के बीच में आयोजित किया गया था। तो पहले क्वेश्चन का जो कल का होमवर्क था, उसका आंसर आप लोग को पता चल चुका होगा। आप लोग में से जो लोग रूस को आंसर के रूप में टिक किए थे, वो लोग धन्यवाद के पात्र हैं, बाकी लोग एक बार इस फैक्ट को देख लेंगे। और इसका सही आंसर है रूस, भारत और रूस के बीच में हुआ था। आज के ट्राई क्वेश्चन पर अगर हम लोग आ जाएं, तो ट्राई क्वेश्चन में देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बजट से ये क्वेश्चन लिया गया है। ट्राई क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे तो पहला इसका स्टेटमेंट कह रहा है कि दुग्ध उत्पादन के मामले में भारत संपूर्ण विश्व में फर्स्ट स्थान यानी प्रथम स्थान रखता है। सेकंड कह रहा है कि विश्व में अंडों के उत्पादन में भारत तीसरा स्थान रखता है। और तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि मछली के उत्पादन में या सीधे के मामले में भारत सेकेंड स्थान रखता है। ठीक है, यानी दूध में भारत को कह रहा है कि प्रथम स्थान है, अंडों में कह रहा है तीसरा स्थान है, और मछली में कह रहा है दूसरा स्थान है। सही स्टेटमेंट क्या है आपको देखते हुए जो नीचे कूट दिया गया, इसका आंसर करना है। इसका आंसर हम लोग वीडियो के लास्ट में चर्चा करेंगे। ठीक है, ट्राई क्वेश्चन का जो आंसर होता है हम लोग वीडियो के लास्ट में देते हैं। और ट्राई क्वेश्चन बेसिकली क्या होता है कि जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इस पूरे सीरीज के, हम लोग कह सकते हैं आज के, उसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन। ट्राई क्वेश्चन का आंसर हम लोग इसके लास्ट में देख लेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एचआईवी के ऊपर है, एचआईवी एड्स के ऊपर है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि केंद्र सरकार, पहले स्टेटमेंट को आप लोग पूछे पढ़ेंगे तो कह रहा है कि केंद्र सरकार ने 2030 तक देश से एचआईवी एड्स को खत्म करने का टारगेट यानी लक्ष्य रखा हुआ है। ध्यान देंगे, एचआईवी एड्स की समस्या से भारत भी जूझ रहा है, लंबे वक्त से जूझ रहा है, और भारत सरकार ने 2030 तक टारगेट रखा है कि हम लोग एचआईवी को किससे क्या करेंगे कि भारत को मुक्त कर देंगे, एचआईवी फ्री कर देंगे भारत को। जबकि हमको पता है ये आंसर स्टेटमेंट एकदम सही है। स्टेटमेंट इसलिए सही है, केंद्र सरकार का वास्तव में लक्ष्य 2030 ही है, एचआईवी एड्स को भारत से पूरी तरह से समाप्त करने का, जड़ से समाप्त करने का। ठीक है, तो 2030 आप लोग को याद रखना है। ये सीधे यूपीपीएससी में ऐसा क्वेश्चन आता है, स्टेटमेंट की जगह पे ये फैक्चुअली क्वेश्चन बन सकता है कि एचआईवी एड्स को भारत में समाप्त करने का टारगेट कब तक है। 2022 तक, 2024 तक, मैक्सिमम लोग 2024 को टिक कर देंगे क्योंकि 2024 में जो गवर्नमेंट है वो फिर से इलेक्ट होगी, पता नहीं फिर से मोदी जी आएंगे कि नहीं आएंगे। तो मैक्सिमम लोग क्या सोचते हैं कि यार टारगेट जो भी बनाया गया होगा 2024 बनाया होगा। तो ध्यान देंगे 2024 नहीं, चूंकि समस्या बड़ी है तो समाधान में टाइम लगेगा। तो मोदी जी को भी पता है 2024 में नहीं, 2030 तक का समय लग सकता है। अब बात आती है कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो ध्यान देना दोस्तों कि एड्स दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है, बिल्कुल नहीं। एड्स दिवस आपका 1 दिसंबर को मनाया जाता है, 1 दिसंबर को। जैसे ही दिसंबर की शुरुआत होती है वैसे ही हम लोग मनाते हैं एड्स दिवस, दिसंबर के पहले डेट को एड्स दिवस मनाया जाता है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है और पहला स्टेटमेंट चूंकि सही है इसलिए इसका आंसर बन जाएगा बी। अगर हम लोग थोड़ा सा एचआईवी के बारे में जाने तो ध्यान देंगे दोस्तों, एचआईवी एक प्रकार का रेट्रोवायरस है। आप लोग इसको याद रखेंगे, एचआईवी क्या है, एक प्रकार का रेट्रोवायरस है। ध्यान देंगे बेसिकली एचआईवी क्या है, अगर आपको होती है, और उम्मीद करेंगे ना हो, ठीक है, एचआईवी अगर आपको होती है तो अगर सही से इलाज आप नहीं करा पाए तो एचआईवी क्या होती है कि एक अगले लेवल पे पहुंचती है, उस अगले लेवल का नाम है एड्स। और यही एचआईवी का सबसे घातक चरण माना जाता है, सबसे गंभीर चरण माना जाता है। यानी बेसिकली अगर किसी को एचआईवी हुआ है और एक रूटीन वाइज जो उसकी मेडिसिन से अगर वो ले रहा है, अगर वो एड्स में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है तो नो डाउट कि ये आपके लिए गंभीर बीमारी नहीं बन पाती है, लेकिन अगर वो अपने इस चरण में पहुंच गई तो ये एक बेहद गंभीर बीमारी के रूप में उभर कर सामने आ जाती है। तो आप लोग इसमें बेसिकली जो स्टोरी थी एचआईवी टू एड्स की वो याद नहीं रखना है, रेट्रोवायरस को याद रखना है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, जो टारगेट है वो ध्यान रखेंगे, कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ये याद रखेंगे। ठीक है, आज के सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं।
कर रहा है कि हाल ही में मध्य प्रदेश के किन दो शहरों को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, हाल ही में ध्यान देंगे कि यूनेस्को ने क्या किया है कि मध्य प्रदेश के दो शहरों को विश्व विरासत की सूची में शामिल किया है। ठीक है, विश्व विरासत शहर की सूची में शामिल किया है। आप ध्यान देंगे, पहला शहर कह रहा है कि ओरछा है, दूसरा है ग्वालियर, कह रहा है तीसरा ऑप्शन कह रहा है ए और बी है, डी ऑप्शन कह रहा है ओरछा और उज्जैन है। ध्यान देंगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दो शहर यानी ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा क्योंकि ओरछा तो एक ही शहर है, ऑप्शन नंबर बी एकदम नहीं होगा क्योंकि ग्वालियर तो एक ही शहर है। ठीक है, अभी कॉमन सेंस से दो शहर कट गया, अब बात आती है कि क्या ए भी होगा, ए भी होगा अर्थात ओरछा और ग्वालियर होगा, एक तो चांस यहां पे है। डी ऑप्शन कह रहा है कि ओरछा तो है लेकिन उज्जैन और ग्वालियर नहीं है, उज्जैन है, यानी एक तो सही हो गया कि भाई ओरछा तो है क्योंकि जो ऑप्शन बच रहे हैं उनमें ऑप्शन कह रहा है ए है और डी ऑप्शन में कह रहा है एक ओरछा है और हमको पता है कि ए ही ओरछा है, यानी एक शहर तो फिक्स है कि भैया क्या है, ओरछा है। दूसरे शहर क्या है, दूसरा शहर ग्वालियर है या उज्जैन है, तो ध्यान देंगे दूसरा शहर आपका ग्वालियर है। तो इस तरह से इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो यानी हाल ही में जो यूनेस्को की विश्व विरासत शहरों की सूची में जिन दो शहरों को शामिल किया गया वो है ओरछा और ग्वालियर। आते हैं आज के तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखेंगे कि हाल ही में भारत में क्या है कि ऑनलाइन गेमिंग जो कि है कि एक कम लोग कह सकते हैं कि नशे के तौर पे देखा जा सकता है। नियर अबाउट आप हर घर में पाएंगे कि अगर यूथ है उसके हाथ में एंड्रॉयड फोन है तो बेसिकली वो ऑनलाइन गेमिंग का शिकार हो चुका है। ठीक है, आजकल कई सारे ऑनलाइन गेमिंग आते हैं, आप लोग देख सकते हैं, बेसिकली मैं खेलता नहीं हूं इसलिए जानता नहीं हूं। ठीक है, आप लोग बेसिकली देखेंगे कि ऑनलाइन गेमिंग के निगेटिव इंपैक्ट बहुत ज्यादा है। ऑनलाइन गेमिंग का क्या है कि नकारात्मक इंपैक्ट बहुत ज्यादा है। नकारात्मक इंपैक्ट देखेंगे तो एक तो देखेंगे कि इसके नकारात्मक इंपैक्ट के तौर पर एक तो सिक्योरिटी को लेकर ये समस्या है क्योंकि जितने भी ऑनलाइन गेमिंग है बेसिकली जो बिग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं गेमिंग को लेके वो चाइना के हैं, तो सिक्योरिटी जो इंटरनल सिक्योरिटी की जो चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे जो डाटा वगैरह है वो उनके हाथ में चला जाता है और वो फिर क्या करती है कि उन्हीं डाटा को हमारे देश के खिलाफ यूज कर लेती हैं। तो एक तो इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर नुकसानदेह होता है, दूसरे फिजिकली बच्चे चूंकि इसमें क्या होता है ऑनलाइन गेमिंग में शारीरिक रूप से कोई एक्टिविटी करते नहीं है। और डार्विन का अगर हम लोग सिद्धांत देखेंगे कि मानव अपने जिस अंग का उपयोग नहीं करता है बेसिकली वो समय के साथ क्या होता है डिस्ट्रॉय होता जाता है। ठीक है, यानी हम लोग कह सकते हैं रचनात्मकता खत्म हो जाती है, इंसान की रचनात्मकता खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो नकारात्मक क्या होगा कि उनके सोचने समझने की क्षमता, ठीक है, जो शारीरिक डेवलपमेंट होना चाहिए, जो मानसिक डेवलपमेंट होना चाहिए वो रुक जाती है। तो इसके इंटरनल सिक्योरिटी के साथ क्या है कि जो भारत की मानव संपदा है जो आगे चलकर एक मानव संपदा के रूप में तैयार होगी वो यूथ क्या हो रही है बेकार होती जा रही है। तो बहुत अच्छा कदम था। अभी हाल ही में क्या किया गया कि 2020 और जिस विधानसभा ने इसमें प्रतिबंध लगाया है, तो किस विधानसभा ने इसमें प्रतिबंध लगाया है आपको आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, आंध्र प्रदेश की विधानसभा ने। तो आंध्र प्रदेश सरकार धन्यवाद की पात्र मेरे हिसाब से है क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध मेरा मानना है कि नियर अबाउट हर स्टेट को लगाना ही चाहिए क्योंकि ये देश के लिए मानव संसाधन के तौर पर इस देश के मानव संसाधन के लिए दोनों के लिए नकारात्मक होते जा रहा है। आते हैं हम लोग आज के 14वें नंबर क्वेश्चन पे, यानी जो आज का चौथा नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर्च्यून इंडिया ने देश की 500 दिग्गज कंपनियों की एक सूची जारी की है जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को क्या हुआ है फर्स्ट स्थान दिया गया है, प्रथम स्थान दिया गया है। अब ध्यान देंगे तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही दोस्तों, ये एक क्या हो सकता है कि आपको सेपरेट क्वेश्चन बन क्या सकता है, सेपरेट क्वेश्चन कैसे बन क्या सकता है, या तो बोल देगा कि हाल ही में जो 500 दिग्गज कंपनियों की एक सूची जारी की गई है जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को प्रथम स्थान दिया गया है, वो जारी किसने की, तो ध्यान देना है फॉर्च्यून इंडिया ने जारी की। बेसिकली ये क्वेश्चन बन के नहीं आएगा, क्वेश्चन बन के जो आएगा फैक्चुअली वो ये बन के आएगा कि फॉर्च्यून इंडिया ने देश की 500 दिग्गज कंपनियों की जो सूची जारी की है उसमें प्रथम स्थान पर कौन है। ठीक है, तो ध्यान देंगे RIL है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट को देखेंगे, हमको पता है हमारे देश में कई सारी चीजें क्या होती है कि राजनीति से प्रेरित होती हैं। ठीक है, जो भी अच्छा काम होता है बेसिकली हम लोग देखेंगे राजनीति से प्रेरित होता है, या हम लोग देखेंगे तो जैसे इस क्वेश्चन में जो सेकंड स्टेटमेंट है बेसिकली इसमें राजनीति आपको दिखाई देगी। और चूंकि आज ही बंगाल चुनाव का रिजल्ट आया है, फिर से दीदी वापस आ गई हैं, तो दीदी की राजनीति यहां पे आपको देखने को मिलेगी। आइए हम लोग देखते हैं, सेकंड स्टेटमेंट करा है कि सुभाष चंद्र बोस की जो 125वीं जयंती अभी मनाई गई है, मेरे से लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन जरूर आने वाला है इस बार सुभाष चंद्र बोस पे, मेरे से लिख लीजिए क्योंकि 125 ही इनकी जयंती है।
अभी क्या है कि सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर कोलकाता में एक पुल है जिसका नाम है माजेर हाट पुल, ठीक है, ये कोलकाता में है। चार पांच साल पहले इस पुल टूट भी गया था, एक दुर्घटना हो गई थी, ठीक है, और इस वजह से भी ये पुल न्यूज में आया हुआ था। तो जो माजेर हाट पुल है इसका नाम बदल करके रख दिया गया है जय हिंद पुल, ठीक है। तो जय हिंद पुल, जय हिंद का संबंध हमको पता है किससे, सुभाष चंद्र बोस जी से। अब बात आती है कि स्टेटमेंट तो सही है, अब आप समझ गए कि मैं क्यों बोल दिया कि इसकी जो जड़ें हैं वो राजनीति से प्रेरित हैं, क्योंकि बिहार जो बंगाल है इलेक्शन था, हमको पता है कि सुभाष चंद्र बोस की जयंती पे एक टकराहट भी देखने को मिली थी दीदी और मोदी जी के बीच में, ठीक है, वो हम लोग कह सकते हैं विचारधारा के स्तर पर एक टकराहट थी। तो इसलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मेरे से लिख के जाइए, सुभाष चंद्र बोस पे इस बार क्वेश्चन आ सकता है। वैसे भी सुभाष चंद्र बोस पे पिछले दिनों में क्वेश्चन यूपीपीसीएस पूछते ही रही है, इस चीज को ध्यान देना है, क्योंकि इस बार जो मोजेर हाट पुल है वो करेंट अफेयर का विषय बन चुका है और सुभाष चंद्र बोस ट्रेडिशनली भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीपीसीएस के। ऐसे में करेंट को और ट्रेडिशन को जोड़ के क्वेश्चन बना सकती है। मेरा मानना है कि जो सेकंड स्टेटमेंट है वह फैक्चुअली आपके एग्जाम में 100% आ सकता है, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट अगर हम लोग सही देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट इसका सही है। दोस्तों अगर करेंट अफेयर का ये वीडियो आपको बेहतर लगे तो कोशिश करिए कि अपने दोस्तों में इसको जरूर शेयर करिए और हमारे चैनल यूपीएससी हिंदी को आप सब सब्सक्राइब करिए। अगला देखेंगे, हाल के दिनों में देखेंगे कि पुलिस की जो पुलिस स्टेशन है, बेसिकली क्या किया जा रहा है, गृह मंत्रालय क्या कर रही है, पुलिस स्टेशन की एक रिपोर्ट तैयार कर रही है, ठीक है। हम लोग कह सकते हैं बेसिकली एक सूचकांक तो नहीं बोलेंगे, बेसिकली बोल लेंगे कि एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है, ठीक। और इस रिपोर्ट में देखा जा रहा है कि भारत की वो कौन सी पुलिस स्टेशन है जो बेहतर परफॉर्मेंस कर रही है। तो ध्यान देंगे, इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि नोंगपोक सेकमाई, एक पुलिस स्टेशन का नाम दिया है नोंगपोक सेकमाई, कह रहा है कि जो पुलिस स्टेशन है इसने हाल ही में क्या किया है कि भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा प्राप्त किया है, भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा प्राप्त किया है। कह रहा है कि यह किस राज्य में स्थित है, यानी जो ये पुलिस स्टेशन है आपको बताना है कि यह किस राज्य में स्थित है। आइए हम लोग थोड़ा ध्यान से देखते हैं। बेसिकली दोस्तों ध्यान देंगे तो हाल ही में जो पुलिस स्टेशनों की एक सीरीज तैयार की गई है कि टॉप थ्री पुलिस स्टेशन कौन से हैं उसको हम लोग देख लेते हैं, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें यूपी का एक भी पुलिस स्टेशन नहीं है, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं। तो पहला जो पुलिस स्टेशन है उसका नाम लिखा ही है नोंगपोक सेकमाई या सिकमई, ठीक है, जो सेकेंड पे है, जो सेकेंड पे है उस पुलिस स्टेशन का नाम है सुरमंगलम, और ध्यान देंगे ये महिला पुलिस स्टेशन है, इस चीज को ध्यान रखना है, सुरमंगलम, सुरमंगलम पुलिस स्टेशन। और जो थर्ड पे है, ध्यान देंगे तीसरे पे है, उस पुलिस स्टेशन का नाम है खरसांग, उस पुलिस स्टेशन का नाम है खरसांग। अब ध्यान देना, अब ये पुलिस स्टेशन किस राज्य से संबंधित है, तो पहले का आंसर है मणिपुर, क्योंकि जो नोंगपोक सेकमई जो कि इस पुलिस स्टेशन की सूची में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया है वो मणिपुर का है। दूसरा जो है वो तमिलनाडु का है, तमिलनाडु का है। और तीसरा जो खरसांग है, ध्यान देंगे जो खरसांग स्टेशन है ये अरुणाचल प्रदेश का है, अरुणाचल प्रदेश का है। तो इस तरह से ये तीनों पुलिस स्टेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो सुरमंगलम है ये महिला पुलिस स्टेशन है, इस चीज को भी ध्यान रखना है, ये महिला पुलिस स्टेशन है। अब हम लोग देखें तो नोंगपोक सेकमाई या सिकमई जो पुलिस स्टेशन है उसने भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा प्राप्त किया है। बेसिकली ये मणिपुर का एक पुलिस स्टेशन है, जो तमिलनाडु का पुलिस स्टेशन है वो सेकेंड स्थान पे है, उसका नाम है सुरमंगलम पुलिस स्टेशन जो कि बेसिकली एक महिला पुलिस स्टेशन है, और तीसरा है अरुणाचल प्रदेश जिसका पुलिस स्टेशन है खरसांग स्टेशन। आते हैं हम आज के 16वें नंबर क्वेश्चन पे। 16वां नंबर क्वेश्चन है कि अरुणाचल प्रदेश में भारत की पहली सौर आधारित जलापूर्ति परियोजना की शुरुआत की गई है। बिल्कुल सही क्वेश्चन दोस्तों, बहुत बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। देखिए ये स्टेटमेंट सीधा फैक्चुअल बन के भी आ सकता है, बोल सकता है क्वेश्चन में कि हाल ही में भारत की पहली सौर आधारित जलापूर्ति परियोजना किस राज्य में शुरू की गई, या ऐसा कह सकता है कि हाल ही में नॉर्थ ईस्ट में उत्तर पूर्वी राज्य का वो कौन सा राज्य है जहां पर पहला, भारत का पहला सौर आधारित जलापूर्ति परियोजना शुरू की गई। तो आंसर इसका होगा आपका अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि ये इनिशिएटिव नॉर्थ ईस्ट में क्या गया है, और नॉर्थ ईस्ट क्या है कि डेवलपमेंट के लिए बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है। ऐसे में जब कोई शुरुआत, विकास की कोई शुरुआत, वैसे में भारत की पहली विकास की शुरुआत अगर अरुणाचल प्रदेश में होगी तो वो क्वेश्चन बन के आपके पेपर में आ सकता है। तो अरुणाचल प्रदेश आप लोग को याद रखना है, यहां पर भारत की पहली
सौर आधारित जलापूर्ति परियोजना संचालित की गई है, शुरुआत की गई है। सेकेंड स्टेटमेंट भी फिर से पश्चिम बंगाल से रिलेटेड है और देखेंगे, कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल नगर निगम ने, ध्यान देंगे, पश्चिम बंगाल नगर निगम ने कोलकाता में क्या किया है कि भारत का पहला टायर पार्क स्थापित किया है। बिल्कुल सही दोस्तों, भारत का जो पहला टायर पार्क, हम लोग देखेंगे कि आजकल हम लोग कह सकते हैं प्रदूषण के रूप में, ठीक है, वेस्टेज के रूप में क्या है, टायर बहुत ज़्यादा आ गए, क्योंकि भैया गाड़ियों के जो यूज है वो बढ़ गए, गाड़ियों के यूज बढ़ गए, तो नो डाउट कि यार फिर टायर क्या है, टायर एक हम लोग कह सकते हैं कि वेस्ट के रूप में आना शुरू हो गया है और नियर अबाउट इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होने लगी है। अब या तो ये वाटर पोल्यूशन करेगा, इन्वायरमेंट का पोल्यूशन करेगा, तो इससे बेहतर है कि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है पश्चिम बंगाल परिवहन निगम का। उन्होंने क्या किया, बेसिकली इन खराब टायरों से कुछ नए नए डिज़ाइन तैयार किए गए हैं, ठीक है, और उनको क्या किया गया, स्थापित किया गया है कोलकाता में, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, इससे जो वेस्ट है उसका यूज हो जाएगा और बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कोलकाता की थोड़ी इनकम जो है, क्योंकि आप अगर टायर पार्क स्थापित करेंगे तो नो डाउट कि वो टूरिज्म के तौर पे डेवलप हो जाएगा, लोग देखने जाएंगे, तो इर्द गिर्द की इकोनॉमी क्या है, बूस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो बहुत अच्छा कदम है, एक तो वेस्ट खत्म हो जा रहा है, दूसरी इकोनॉमी बूस्ट होने में और मददगार साबित होगी। तो इस तरह से इसका दोनों स्टेटमेंट सही है और ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। आज का 17वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो कि आज का 7वां नंबर क्वेश्चन है, पूरे जो सीरीज है दिसंबर का उसका 17वां नंबर क्वेश्चन है। आरोग्य वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने क्या किया है, आरोग्य वन का जो है कि उद्घाटन किया है, कहां पे, नर्मदा जिले में किया है आरोग्य वन का उत्पादन। बेसिकली इसमें क्या किया है कि 300 से अधिक जो आरोग्य वनस्पतियां हैं उनका हम लोग कह सकते हैं 300 से अधिक प्रजातियां जो आरोग्य वनस्पतियों की हैं उनका एक वन तैयार किया गया है, ठीक है। बेसिकली हजारों पेड़ को यूज किया गया है, तो कितने पेड़ यूज किए गए हैं वन तैयार करने में, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। आप लोग इंपॉर्टेंट क्या रखेंगे, ये स्टेटमेंट तो सही है, ठीक है, स्टेटमेंट सही है, इंपॉर्टेंट आप लोग को क्या रखना है कि आरोग्य वन का स्थापना कहाँ किया गया है, गुजरात में किया गया है और कहाँ किया गया है, नर्मदा जिले में किया गया है, नर्मदा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, इसको याद रखिए। सेकेंड स्टेटमेंट क्या करा है कि यूनेस्को द्वारा अभी मध्य प्रदेश का जो पन्ना टाइगर रिजर्व है, मध्य प्रदेश का जो पन्ना टाइगर रिजर्व है उसको वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में शामिल किया गया है। यानी जो मध्य प्रदेश का पन्ना टाइगर रिजर्व है अभी उसको क्या किया यूनेस्को ने कि वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में शामिल कर लिया है। अब ऐसे में क्वेश्चन बन के ये आना नियर अबाउट तय है, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे यूनेस्को के भी बारे में देखेंगे, क्योंकि यूनेस्को इस बार क्वेश्चन में देखेंगे दो बार आ चुका, यूनेस्को हम लोग जस्ट ऊपर भी देखे हैं, यूनेस्को फिर आ चुका, तो थोड़ा सा अभी हम लोग क्या करेंगे यूनेस्को के बारे में भी देख लेंगे। लेकिन इसके पहले हम लोग थोड़ा सा जो ध्यान देना है उसको ध्यान देते हैं, ठीक है। हम लोग सबसे पहले आप होमवर्क के तौर पर हमको बता दीजिए ना, चलिए हम लोग इसको देखते हैं, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है, आप चलिए हमको कमेंट बॉक्स में बताइए कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, आप ही लोग हमको बताइए कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है, आप लोग को हमको बताना है। अब हम लोग ध्यान देते हैं, यूनेस्को ने क्या किया है कि मध्य प्रदेश का जो पन्ना टाइगर रिजर्व है, तो आपको पेपर में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि चूंकि पन्ना टाइगर रिजर्व क्या है अब न्यूज का हिस्सा बन चुकी है, न्यूज का हिस्सा बन चुकी है, तो सेपरेट क्वेश्चन पन्ना टाइगर रिजर्व पे भी आ सकता है यूपीपीसीएस में कि पन्ना टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो ध्यान देंगे मध्य प्रदेश में स्थित है, एक चीज ये ध्यान रखना है। अब अगला हम लोग ध्यान देते हैं कि चूंकि एक कीवर्ड अभी न्यूज में आ गया है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, ध्यान देंगे चूंकि एक कीवर्ड अभी न्यूज में आ चुका है और वो कीवर्ड क्या है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, अभी ध्यान देंगे एक और बायोस्फीयर रिजर्व है, एक और बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि न्यूज में आ गया है। आप तुक बैठाइए, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे पहचानना होता है। अभी हम लोग देखेंगे कि सिमलीपाल, ध्यान देना आप लोगों को समझना है कि जो सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व है, बायोस्फीयर रिजर्व है अभी ये न्यूज में आ गया है, अभी हमको बताना है आप लोग को न्यूज में क्यों है, क्यों सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व में आ गया है, न्यूज में आ गया है और ये है कहां पे, उड़ीसा में। तो आप लोग कमेंट में देखिए जरूर बताइए कि सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व अभी न्यूज में क्यों रहा है, ठीक है। अब सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, उड़ीसा में स्थित है। अब ध्यान देना है कि चूंकि एक सिमलीपाल बायोस्फीयर ये जो न्यूज में आया है, इस बायोस्फीयर रिजर्व को भी वर्ष 2009 में, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व को भी वर्ष 2009 में यूनेस्को ने क्या किया था कि वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में शामिल किया था। अब ऐसे में क्या है कि जब ये कीवर्ड वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व न्यूज में आया है, तो पहली इंपॉर्टेंट आप लोग हमको बताइए यूनेस्को के बारे में,
यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। दूसरी फैक्ट पेपर में आ सकता है पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। तीसरा फैक्ट आ सकता है, चूंकि सिमलीपाल भी अभी न्यूज़ में हो चुका है, चर्चा में आ चुका है, तो सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है आप बताइए। इसका आंसर हम लोग बता ही दिए हैं, उड़ीसा में। अब चूंकि बायोस्फीयर रिजर्व उड़ीसा का आ ही गया है, तो उड़ीसा के तीन और इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व हैं, आइए हम लोग इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। आइए, पहले का नाम है भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। पहले का नाम है भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। दूसरे का नाम है नंदन कानन क्या, तो नंदन कानन वन्य जीव अभयारण्य। तीसरा जो है वो है गहिरमाथा। तीसरा है गहिरमाथा। ये तीनों न्यूज का विषय हो गया है। ये तीनों न्यूज का विषय क्यों हो गया, क्योंकि डायरेक्टली रही इनडायरेक्टली न्यूज का विषय हो गया है। अब हम लोग थोड़ा सा भितरकनिका के बारे में देख लें, तो भितरकनिका है कहाँ का, ये तो आपको पता चल चुका, उड़ीसा का है। इंपॉर्टेंट क्यों है, ध्यान देंगे, ये जो भितरकनिका है बेसिकली क्या है कि खारे पानी के मगरमच्छों का सबसे बड़ा निवास स्थान है। खारे पानी के मगरमच्छों का, आप लिख देते हैं, खारे पानी के मगरमच्छों का। तो पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि खारे पानी के मगरमच्छों का सबसे बड़ा निवास स्थान कहाँ है, तो भितरकनिका है। भितरकनिका कहाँ स्थित है, सिमली उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग नंदन कानन को देखते हैं। तो ध्यान देंगे, जो नंदन कानन है ये बेसिकली क्या है कि सफेद बाघ और जो मेलेनिस्टिक, ठीक है, यहां पे लिख देते हैं मेलेनिस्टिक टाइगर रिजर्व है। सफेद बाघ और जो मेलेनिस्टिक टाइगर है, इनका पहला प्रजनन केंद्र यहीं स्थापित किया था नंदन कानन में। तो सफेद बाघ और मेलेनिस्टिक टाइगर का जो पहला प्रजनन केंद्र है वो नंदन कानन में स्थापित किया गया था, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद कर लेना है। अब गहिरमाथा, इसके पहले हम लोग क्वेश्चन बना भी चुके हैं यहां से, तो गहिरमाथा को भी देख लेते हैं। गहिरमाथा एक्चुअली इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यह उड़ीसा का एकमात्र कछुआ अभयारण्य है। इसलिए भी ये क्वेश्चन में बन के आ सकता है, इस चीज को ध्यान में रखना है। तो जितना भी इंपॉर्टेंट हो सकता था वो बता देने की कोशिश कर दी गई। अब आप लोग ये शिकायत मत करिएगा यार कि वीडियो लंबा बन जाता है। आप सोचिए अगर इतना कुछ बताया जाएगा यार तो वीडियो दो चार मिनट तो लंबा बनेगा ही बनेगा। उम्मीद करते हैं थोड़ा सा जल्दी भी बोलने की कोशिश की, आप लोग को समझ में आया होगा। नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, समझा दीजिएगा, ठीक है। फिर से कोई बात नहीं, क्योंकि डेली वीडियो बन रहा है तो यार फिर से समझा जाएगा। अगला 18 नंबर क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं। इसका सही आंसर आपको पता चल चुका होगा, इसका दोनों आंसर चूंकि सही है इसके लिए इसका स्टेटमेंट ए सही है। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में अल्ट्रा मेगा रिन्यूअल एनर्जी पार्क स्थापित किया गया, ठीक है। अल्ट्रा मेगा रिन्यूअल एनर्जी पावर पार्क स्थापित करने की योजना है किस राज्य में, 18वां नंबर क्वेश्चन है। तो आप स्टेटमेंट को देखेंगे तो स्टेटमेंट में कह रहा है पंजाब, दूसरा कह रहा है राजस्थान, तीसरा कह रहा है गुजरात और चौथा कह रहा है जम्मू कश्मीर। तो इसका सही आंसर है बी, राजस्थान में। यानी जो योजना है वो अल्ट्रा मेगा रिन्यूअल एनर्जी पावर पार्क की स्थापित करने की, वो राजस्थान में है, ठीक है। वो कहाँ पे है, राजस्थान में। ध्यान देंगे, एक्चुअली जो पाकिस्तान की बाउंड्री है हमको पता है कि राजस्थान से लगती है, और हम लोग का टारगेट क्या है कि इसी सीमावर्ती क्षेत्र यानी जिस एरिया में पाकिस्तान की बाउंड्री टच होती है और राजस्थान से, उसी पे हम लोग क्या करेंगे कि अल्ट्रा मेगा रिन्यूअल एनर्जी पावर पार्क को स्थापित करेंगे, जिसकी अगर आपको क्षमता पूछ ले तो ध्यान रखेंगे 800 मेगावाट इसकी क्षमता है अगर आपसे पूछ देता है तो, ठीक है। तो राजस्थान में, बेसिकली पूरे राजस्थान में नहीं, केवल बाउंड्री वाला जो एरिया है जो पाकिस्तान से बाउंड्री टच होती है राजस्थान की, उस एरिया में इसको स्थापित किया जाएगा। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, गुपकार घोषणा क्या है। हाल ही में गुपकार गैंग आप लोग आर भारत पे देखे होंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा गुपकार घोषणा सुन लीजिए क्या है। कह रहा है ऑप्शन ए जासूसी सूचनाओं का समूह है, बी कह रहा है जम्मू कश्मीर की पार्टियों का समूह है, सी कह रहा है खुफिया संस्थानों की घोषणा है, और चौथा कह रहा है कि विपक्षी पार्टियों की एक समूह है, एक विशिष्ट लक्ष्य होता यानी एक विशिष्ट टारगेट हो। आप थोड़ा ध्यान देंगे, ऑप्शन नंबर ए, चलिए अच्छी बात है किसी ने इसका नहीं मारा था, और ऑप्शन नंबर सी भी किसी ने नहीं मारा था, यानी दो ही ऑप्शन आप लोग मारे थे, या तो बी या तो सी, इसी में से कोई सही है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। देखिए एक्चुअली ये पार्टियों का तो समूह है, लेकिन केवल जम्मू कश्मीर की पार्टियां नहीं है, इसमें कुछ जम्मू कश्मीर के बाहर की भी पार्टियां, जैसे कांग्रेस, कुल 6 पार्टियां। देखिए
थोड़ा सा आप लोग गुपकार घोषणा को समझने की कोशिश करेंगे। तो गुपकार क्या है कि बेसिकली जो जम्मू कश्मीर के विपक्षी दलों का एक गठबंधन है, ठीक है, लेकिन इसमें जो पार्टियां हैं ना वो केवल जम्मू कश्मीर की नहीं है, इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है, पीडीपी भी है, कांग्रेस भी है, पीपुल्स कांग्रेस है, माकपा है, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि केवल और केवल जम्मू कश्मीर की नहीं, क्योंकि आपको किसी के बारे में अगर नहीं पता होगा तो कांग्रेस को तो हम लोग जम्मू कश्मीर की पार्टी तो बोलेंगे नहीं, ये तो नेशनल पार्टी है। तो ऐसे में हम लोग कह लेंगे ऑप्शन बी भी इसका गलत है, क्योंकि इसमें जम्मू कश्मीर के बाहर की भी पार्टियां शामिल हैं, जैसे कांग्रेस ले लीजिए आप। अब बात आती है यहाँ पे, एक ध्यान देंगे लिखा है एक विशिष्ट लक्ष्य, यानी जो गुपकार घोषणा है ये किसी विशिष्ट लक्ष्य को समर्पित है, तो सही है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि जम्मू कश्मीर को पहले की तरह विशेष दर्जा दिलाना। अब विशेष दर्जा कौन सा, तो ध्यान देंगे अभी मोदी जी ने विशेष दर्जा जो जम्मू कश्मीर का था उसको समाप्त कर दिया है, ठीक है। वो कौन सा आर्टिकल है आप हम लोग को कमेंट बॉक्स में बताइए, जरूर बताइए, जरूर बताइए, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे गुपकार घोषणा क्या है। तो गुपकार घोषणा विपक्षी पार्टियों का एक समूह है जिसका टारगेट है जम्मू कश्मीर की जो उसकी पुरानी स्थिति थी उसको दिलाना। आते हैं आज के लास्ट नंबर क्वेश्चन पे, 20वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्वोत्तर में पहले गाय अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया, आपको बताना है पूर्वोत्तर में। ध्यान देंगे चूंकि पूर्वोत्तर का वो राज्य है और इसका आंसर है असम, असम के डिब्रूगढ़ में स्थापित किया गया है। ध्यान देना है पूर्वोत्तर में पहला जो गाय अस्पताल का उद्घाटन किया गया है वो असम के डिब्रूगढ़ में स्थापित किया गया है, यानी इसका उद्घाटन किया गया है कहां पे दोस्तों, असम के डिब्रूगढ़ में, ठीक है। अब अगर हम लोग इस तरह से देख लिए कि जो आज के 20 क्वेश्चन थे, ठीक है, जो आज के 20 क्वेश्चन थे बेसिकली हम लोगों ने क्या किया है उसको देख लिया है। अब एक होमवर्क के तौर पे हमको बताइए, होमवर्क के तौर पे कि हाल ही में क्या है, एक राज्य है उस राज्य का नाम बताना है। देखिए राज्य का जो नाम है वो क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, आप बताइए होमवर्क के तौर पे राज्य का नाम क्वेश्चन मार्क है। आज का होमवर्क है, कल इसका आंसर मैं दूंगा, ठीक है। अभी क्या किया गया, इस राज्य में कीवी फल के लिए इस राज्य को जैविक प्रमाणीकरण पाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। किस फल के लिए, चूंकि कीवी फल कोरोना की वजह से न्यूज में है और बहुत चर्चा का फल रहा है, ठीक है। इस वक्त कुछ समय पहले कीवी फल क्या है गोरखपुर में देखेंगे आप लोग कि 10 रुपए का एक मिलता था, वर्तमान में 100 रुपए का एक मिल रहा है, ठीक है। तो कीवी फल के लिए जैविक प्रमाणीकरण पाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा राज्य बन गया है, ऑप्शन बताइए। चलिए मैं हिंट इसका दे देता हूं आपको, इसका हिंट दूंगा और वो हिंट यही है कि वो पूर्वोत्तर का कोई राज्य है, पूर्वोत्तर का कोई राज्य है। तो 7 बहनों में से वो कौन सी एक बहन है जो इसका सही आंसर है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और इस तरह से आज का दिसंबर का दूसरा क्लास खत्म होता है, धन्यवाद दोस्तों। और चलिए अभी आपको हमको ट्राई क्वेश्चन का आंसर बताना था, तो ट्राई क्वेश्चन का आंसर आप लोग को बताना था। बेसिकली जो ट्राई क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था ये इस बार की जो आर्थिक समीक्षा थी इसमें न्यूज में रहा है, 2020-21 की जो आर्थिक समीक्षा है ये वहां से उठाया गया है। ध्यान देंगे कि दुग्ध उत्पादन के मामले में भारत संपूर्ण विश्व में प्रथम स्थान रखता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। और 2019-20 में भारत ने जो दुग्ध उत्पादन किया है वो 198.4 बिलियन टन किया है। तो कितना टन किया इंपॉर्टेंट नहीं है, भारत का पहला स्थान है ये इंपॉर्टेंट है। तो पहला स्टेटमेंट चूंकि सही है, आप देखेंगे पहला कहां पे नहीं है तो सी में पहला नहीं है, यानी सी ऑप्शन आपका गलत हो गया। सेकंड कह रहा है कि अंडों के उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है, अंडों के स्थापना, ध्यान देंगे अंडों के उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है, यानी दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। अब ऑप्शन में जहां दूसरा स्टेटमेंट नहीं उसको काट दीजिए। अब हमारे पास बचता है अंतिम स्टेटमेंट, मछली उत्पादन के मामले में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है, आपको बताना है मछली उत्पादन के मामले में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है, तो दूसरा स्थान प्राप्त है, यह भी सही है। इस तरह से इसका आंसर नंबर डी सही है। तो आज के ट्राई क्वेश्चन होमवर्क सब समाप्त हो गए, मिलते हैं कल, धन्यवाद।